हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया है। अब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे, मांग की आय लोच। पहले उसको परिभाषित कर लेते हैं। अन्य बातें यदि स्थिर रहें, क्या क्या अन्य बातें? जैसे वस्तु विशेष की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि आदि, जो विभिन्न कारक हैं जो प्रभावित करते हैं मांग को, अगर वो सभी स्थिर रहें, केवल और केवल इनकम में परिवर्तन हो और इनकम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो, उसके माप को हम मांग की आय लोच कहते हैं या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। वॉटसन के शब्दों में देख लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। किसका अनुपात होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये देखिए हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम EY से दर्शाएंगे। इनकम के लिए वाई इस्तेमाल हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जहां पर हमारा कीमत होता था, अब हम वहां पर हमने क्या कर दिया है, इनकम। ऐसे ही इस फॉर्मूला में भी हम क्या करेंगे, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन वाई बाय वाई। पहले हमारा होता था चेंज इन पी बाय पी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम चेंजेस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वाई बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन वाई। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करेंगे। हमें वाई जो प्रारंभिक आय है उसको दर्शाएंगे वाई से, परिवर्तित जो इनकम है उसको दिखाएंगे वाई वन से, और जो चेंज है, चेंज इन वाई इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई, और क्यू हमारी प्रारंभिक मांगी गई मात्रा, क्यू वन परिवर्तित मांगी गई मात्रा, और चेंज इन क्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू। इन वैल्यूज को हम यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देंगे। उसके बाद आती है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। जब इनकम और डिमांड का संबंध पॉजिटिव हो, एक ही दिशा में हो, इनकम अगर बढ़ रही है तो वस्तु की मांग भी बढ़े, तो ऐसा अगर होता है तो वो क्या कहलाता है, मांग की धनात्मक आय लोच। किसी वस्तु की मांग की आय लोच उस अवस्था में धनात्मक होती है जब उपभोक्ता की आय के बढ़ने से, उपभोक्ता की आय के बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय के घटने से मांग कम हो जाती है। इट मीन्स सेम डायरेक्शन में चेंज, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। ऐसा किन गुड्स के केस में होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में, सामान्य पदार्थों के केस में मांग की धनात्मक आय लोच होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर हमारा क्वांटिटी ही है। अब क्योंकि हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पर इनकम हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले हमारा जब इनकम ओ बी है तो डिमांड कितनी हो रही है, ओ क्यू, और जब इनकम बढ़ जाती है, ओ ए हो जाती है, तो डिमांड भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है, ओ क्यू वन हो जाती है। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब इसमें भी हमारी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी भी हो सकती है, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम आय लोच भी हो सकती है। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी कब होगी,
मांग की इकाई आय लोच, मांग की धनात्मक आय लोच उस अवस्था में इकाई होती है जब आय में उतने ही प्रतिशत परिवर्तन हो जितना मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। आय में जितने प्रतिशत परिवर्तन हो, पहले कारण क्या है, आय में चेंज होना, आय में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उतने ही प्रतिशत परिवर्तन जो है मांग की मात्रा में होना चाहिए, तब हमारा क्या आता है, इकाई के बराबर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है। जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है उतना ही परसेंटेज चेंज इनकम में हुआ है। इकाई से कम आय लोच कब होगी, जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम है। मांग में कम परिवर्तन हुआ है और आय में अधिक परिवर्तन हुआ है, तो हमारा जो वैल्यू आई 1/2 वो क्या है, 1 से कम है, तो ये इकाई से कम आय लोच को दर्शा रहा है। नेक्स्ट केस में अगर हम कहें कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अगर आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग की इकाई से अधिक आय लोच होती है। देखिए, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और आय में प्रतिशत परिवर्तन कम है, तो ये हमारी वैल्यू जो आई है वो 2 है, वो 1 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी। अभी जो हमने बात की वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की जो नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग की ऋणात्मक आय लोच जब इनकम में जिस डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है डिमांड में उससे इनवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन हो, जब इनकम अधिक हो रही हो और डिमांड कम हो उसके परिणाम स्वरूप, तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ऐसा इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है, निम्न कोटि की वस्तुओं के केस में होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है निम्न कोटि की वस्तुओं की डिमांड कम होती है, क्योंकि जब इनकम बढ़ जाती है तो बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। यहाँ पर हमारा इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि इनिशियल जो कंडीशन है वहां पर इनकम 10 है और क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, और अगर इनकम बढ़ के 20 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, 2 हो जाती है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। नेक्स्ट केस क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब आय में परिवर्तन होने का वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता आय में वृद्धि होने का, तो हम कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आय चाहे बढ़ के 10 से 20 हो जाए लेकिन डिमांड जितनी है वस्तु की उतनी ही रह रही है, 4 है तो 4 ही रह रही है। ऐसा किन वस्तुओं के केस में होता है, जो आवश्यकता की नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं तो उस केस में ऐसा होता है, इनकम में परिवर्तन होने का वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के केस में होता है। अभी हमने बात की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम अन्य सभी कारक अगर स्थिर रहे और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उससे जो संबंधित वस्तु है उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके माप को हम कहते हैं मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे एक्स वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से वाई वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात के माप को हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, और यहाँ हम ईसी से दिखा रहे हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लूच। इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर एक्स और वाई दो वस्तु हम ले रहे हैं संबंधित वस्तुएं,
एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, एक्स वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है किसकी वजह से? वाई वस्तु की प्राइस में परसेंटेज चेंज होने की वजह से, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है? उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर हमारे फॉर्मूला में जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था उससे और यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है, या एक तो हम यहाँ ईसी से इसको दिखाएंगे और दूसरा जो हम सिंपल पी बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी कर रहे थे, अब पी के साथ हम या तो एक्स लगाएं और क्यू के साथ वाई लगाएं, या ऐसे हो सकता है कि पी के साथ हम वाई लगाएं और क्यू के साथ एक्स लगाएं। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। नेचर एंड डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगी, किन वस्तुओं के केस में होगी? सब्स्टिट्यूट्स के केस में होगी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखिए, अगर वाई वस्तु के प्राइस में इंक्रीज होता है तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ती है। डायग्राम से समझ आएगा आपको, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ टी है और यहाँ पर प्राइस दूसरी वस्तु का है जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है, प्राइस ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ कॉफी लिया हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ टी है और ये जो चेंज है वो पॉजिटिव। अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, कॉफी अगर महंगी हो रही है तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर वाई वस्तु का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये क्या है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। किन गुड्स के केस में होता है? सब्स्टिट्यूट्स के केस में होता है। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पूरक वस्तुओं के केस में जिनकी ज्वाइंट डिमांड होती है। यहां पर क्या होगा, अगर वाई वस्तु के प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो एक्स वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है तो बटर की डिमांड भी कम हो रही है, ब्रेस्ट में ये जो ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से बटर की डिमांड कम हो रही है, इनवर्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। वाई वस्तु का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से एक्स वस्तु की डिमांड कम हो रही है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कार की डिमांड कम होगी और अगर कम कारों की डिमांड होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। तो ये है हमारा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का केस। यहां पर लास्ट में आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आप सारा का सारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा चैप्टर है उसको रिवाइज कर सकते हैं। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर रिलेशनशिप हमेशा ही नेगेटिव होता है। फिर हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है नॉर्मल गुड के केस में और नेगेटिव होती है इन्फीरियर गुड के केस में। और फिर है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में और नेगेटिव होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। तो यहाँ तक हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर एक लगभग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स में इलास्टिसिटी का जिक्र करते हैं। देखिए किन किन केसेस में जिक्र करते हैं। फर्स्ट है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली जब एकाधिकार होता है तो उसमें किस प्रकार से कीमतें तय की जाती हैं मोनोपोलिस्ट के द्वारा। जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है तो उसके लिए कीमत एकाधिकारी कम रखता है क्योंकि मांग लोचदार है, प्राइस अधिक होने से उसकी
मांग कम हो जाएगी, जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे भी अधिक उसकी मांग कम हो जाएगी। इसलिए जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है तो उस केस में एकाधिकारी क्या करते हैं, कीमतें कम रखते हैं, और जब मांग बेलोचदार होती है तो कीमत अधिक रखी जाती है, क्योंकि कीमत अधिक रखने पर भी उसकी मांग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, हम कीमत विभेद भी मोनोपोलिस्ट से ही रिलेटेड है कि एक ही वस्तु के डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कंज्यूमर से कैसे चार्ज किए जा सकते हैं, वो भी इलास्टिसिटी के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। फिर है प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। अगर दो वस्तुओं की सप्लाई एक साथ हो रही है तो क्या दोनों का एक जैसा प्राइस रखा जाए या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे रुई और बिनोले का प्रोडक्शन हो रहा है तो रुई की मांग अगर बेलोचदार है, जहां पर बेलोचदार मांग होगी उसकी कीमत अधिक रखी जाएगी, और जहां पर मांग लोचदार होती है वहां पर कीमत कम रखी जाती है। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट कैसे टैक्स रेट डिसाइड करती है, यहाँ पर इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनका जिक्र है। जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है तो वहां पर टैक्स रेट लो रखा जाता है, और जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है वहां पर हाई टैक्स रेट रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है करों का भार। करों के भार का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन, जो कर का भार है वो शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर वस्तु की मांग बेलोचदार है तो जो कर का भार है, अप्रत्यक्ष करों का जो भार है वो उपभोक्ता पर पड़ता है, और अगर मांग लोचदार है तो अधिक भार अप्रत्यक्ष करों का प्रोड्यूसर्स पर पड़ता है, जो सप्लायर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पर पड़ता है, उपभोक्ता पर कम पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट में भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस है हमारे। निर्यात जिन वस्तुओं का किया जा रहा है उनकी कीमत किस प्रकार से तय की जाए, किस प्रकार से निर्धारित की जाए। कीमत में वृद्धि तब की जाती है जब उस वस्तु की डिमांड, निर्यात और आयात की बात कर रहे हैं, अगर किसी वस्तु का निर्यात किया जा रहा है किसी कंट्री में तो उसकी कीमत तब बढ़ाई जाएगी जब आयात करने वाले देश में जो वस्तु है उसकी मांग बेलोचदार है, और इसके वाइस वर्सा, इसके अपोजिट केस में। फिर है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का पैराडॉक्स को समझने में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट मदद करता है। जैसे अगर कृषि के क्षेत्र में जो हमारी नेसेसिटी गुड्स में ही आ जाती हैं, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ने से उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है और मांग में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ऐसे गुड्स जो होते हैं वो नेसेसिटी आइटम्स में आते हैं, उनकी मांग कीमत कम होने पर भी अधिक नहीं बढ़ती है, तो जो किसानों को जो कुल आय प्राप्त हो रही है वो कम हो जाती है, क्योंकि कीमत कम होने पर भी उनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है तो कुल आय कम हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी को भी समझने में हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।